नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कोविड के थर्ड वेव से बच्चों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां आप तक शेयर करने के लिए आया हूं। हालांकि मैं ईश्वर से अभी भी प्रार्थना करूँगा कि कोविड के थर्ड वेव का आगमन हमारे देश में ना आए, लेकिन अधिकांश डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का यही मानना है कि जैसे कि हम सेकेंड वेव के स्टेज से गुजर रहे हैं, तो सेकंड वेव जाते ही थर्ड वेव में कुछ बच्चे इसके शिकार हो सकते हैं। ये संभावित है, शायद ऐसा ना भी हो तो इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। आपके मन में उठे किसी प्रकार के प्रश्न और सवालों को कमेंट के रूप में जरूर भेज सकते हैं। जो टिप्स के रूप में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत धारणा के ऊपर नहीं है, ये अधिकांश डॉक्टर जो है अपने अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए इन टिप्स को दे रहे हैं लोगों के बीच में। तो उन्हीं में से कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है बच्चों के स्वस्थ रखने के लिए मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर दीजिए अभी से कि बच्चे घर के अंदर ही अधिकांश अपनी गतिविधियों को सीमित रखने की कोशिश करें। अगर वो किसी कारणवश बाहर जाते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दूसरी सबसे अहम चीज़ है, जो पेरेंट्स अगर बच्चों को अलाउ कर रहे हैं बाहर जाने के लिए किसी प्रकार से वॉक या खेलने के लिए, तो बच्चों को इस बारे में जानकारी देना चाहिए कि डिस्टेंसिंग क्यों आवश्यक है, और बाहर से जैसे ही घर को वापस आ रहे हैं तो हैंड वॉश कैसे करना चाहिए या सैनिटाइजेशन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी शेयर करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए, बच्चों को ये जानकारी ज़रूर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने मित्रों के साथ भी अगर बात करते हैं तो उतने क्लोज ना आए, और इतने भी क्लोज ना आ जाए कि उनको एक दूसरे से बीमारी जो है शेयर होने की संभावना हो। तो कोशिश इस बात पे करना चाहिए, बच्चों को इस बारे में जानकारी ज़रूर दीजिए। अगर उनके कोई मित्र को जुखाम है, खांसी है या बुखार है तो उनके साथ में ज़्यादा वो क्लोजली टच में ना आए या उनके संपर्क में ना आए। बच्चों को इस मामले में जागरूक करने की आवश्यकता है पेरेंट्स को कि अगर घर में भी रहते हैं तो उन्हें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, और बाहर जाने पर कंपलसरी नाक के ऊपर तक जो है मास्क का प्रयोग करते रहें। पेरेंट्स जो घर से बाहर जॉब पर्पज़ से या किसी भी बिजनेस पर्पज़ से बाहर जाते हैं, उनको ये जागरूक अपने आप को रखने की आवश्यकता है कि घर में आते ही वो अपने आप को हैंड वॉश और पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद ही परिवार में बच्चों के संपर्क में आए या बच्चों के साथ में वो रेगुलर एक्टिविटी में शामिल हो। बिना नहाए धोए या बिना वॉश हुए, बिना सैनिटाइज हुए बड़े लोगों को बाहर से आने के बाद घर के अंदर बच्चों के क्लोज संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है, या ना आए तो बेहतर है। अगर परिवार में कोई भी सदस्य खांसी जुखाम या बुखार से पीड़ित है तो चिकित्सकीय परामर्श को मानते हुए अपने आप को रूम के अंदर ही एक अलग स्पेस में आइसोलेट करके रखें, जिससे बीमारी जो है छोटे बच्चों को अपना शिकार ना बना सके। कोशिश करना चाहिए बच्चों को इंडोर एक्टिविटीज़ में ही, इंडोर गेम्स में चेस, कैरम या लूडो या पजल वाले गेम या पेंटिंग, पोएम रेसिटेशन या कई तरह की इस तरीके के डोमेस्टिक एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्वमेंट रखने की आवश्यकता है। पेरेंट्स विशेषकर मदर्स को मैं ये वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रखने के लिए कुछ ना कुछ छोटे मोटे कंपटीशन घर के अंदर में प्रतियोगिता का आयोजन कर लें, जैसे पोएम कंपटीशन या पेंटिंग का या गाना गाने का या डांसिंग का एक्टिविटीज़। इससे उसकी एक्टिविटी से उसके एक्स्ट्रा जो है कुछ सीखने को भी मिलेगा और उसका समय भी निकलेगा और वो बाहर जाने से बचा भी रहेगा। बच्चे अधिकांश कई ऐसी चीज़ें हैं, छोटे मोटे चीज़ें हैं जैसे दरवाजे का हैंडल हो गया या फ्रिज का हैंडल हो गया या चाबी है, जो कॉमनली छूते रहते हैं, उनको रेगुलरली इन्फेक्ट करना चाहिए। पेरेंट्स को सैनिटाइज करना चाहिए उन चीज़ों को। पेरेंट्स को ये जरूर देखना चाहिए कि हमारे बच्चे को किसी प्रकार का
कोई शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी है तो अपने नज़दीक के चिकित्सक से सलाह अनुसार ही दवा प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो है रेमडेसिविर जैसे स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स का खुद से परचेस करके देना नहीं चाहिए। इससे क्या है, उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा और वो बीमारी का शिकार हो जाएंगे। एक आखिरी अहम बात मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, कोविड थर्ड वेव आए चाहे ना आए, हमारे बच्चे की इम्यूनिटी को हमें ही बनाना चाहिए। इसीलिए हर पेरेंट्स को ऐसे कुछ पॉजिटिव स्टेप्स जो है बच्चे को सिखाने चाहिए, वो मास्क पहनने से लेकर के हाथ धुलाई करने से लेकर के इंडोर एक्टिविटीज़ में रह करके डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए इन चीज़ों को रेगुलरली उन्हें एक तरीके से गाइडेंस करना चाहिए। डिसिप्लिन जो आने वाले समय में किसी भी प्रकार के वायरस के वो आक्रमण से अपने आप को और परिवार को बचा सके। तो मैं उम्मीद करूंगा अगर आप इन चीज़ों को पालन करते रहेंगे और किसी भी प्रकार से अगर बीमार किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से शिकार होते हैं तो आप नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क कीजिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि उतनी भारी बीमारी या किसी प्रकार के कठिन रोग से अपने आप को बचा सकते हैं और कोविड के थर्ड वेव से भी अपने आप को जरूर निकाल पाएंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो या मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।